प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रीट एग्जाम को लेकर सरकार की तैयारियां तेज हो रही हैं और आप लोगों को भी अब अपनी तैयारी को तेज करना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये हमारी आज की जो है क्लास 3 है, ठीक है। इससे पहले दो क्लास आ चुकी है, उनको देख लीजिएगा। लगातार हम लोग जो है सामान्य ज्ञान पर काम कर रहे हैं और मैंने हमेशा बोला है कि PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से करो, क्योंकि चीजें उसी के आसपास रहती हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ये एक अथाह सागर है, पढ़ने कोई सीमा नहीं है, लेकिन टू द पॉइंट कैसे पढ़ें उसका सबसे बड़ा फोर्स क्या होता है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके जो है जो पेपर निरस्त हुआ उसमें 4 पेपर हुए थे, ठीक है। तो 18 फरवरी का हमने दोनों पेपर देख लिया है, अब 17 फरवरी का पेपर हम लोग देखेंगे, ठीक है। और जो होमवर्क आपको मिलता है उसको कंप्लीट करते हुए भी चलें। पहला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर इससे पहले आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक चीजें पहुंच सकें। पहला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून? तो खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील पूछा गया है, तो बहुत ही फेमस सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है, लूसेंट में दिया हुआ है। तो कौन सी झील है ये? ये आपकी चिल्का झील है, ठीक है। कहां पर है ये? उड़ीसा राज्य में स्थित है। और यह झील जो है एशिया की भी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। चिल्का झील को 1981 में रामसर कन्वेंशन के तहत नामित किया गया, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए, ठीक है। इसका मतलब हमारा लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो झील है, तो झीलें भी हमें क्या करना है, अच्छे से रटना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, 7 रंगों से मिलकर बना होगा। ट्रिक भी याद होगी आपको, बैनी आह पिनाला, ठीक है। तो 7 रंगों से मिलकर बना है, जिसमें बैगनी है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है, लाल है। इन सभी रंगों के 3 मूल रंग भी होते हैं। मूल रंग क्या है? वो लाल है, नीला है और हला, क्या नाम है, हरा है। रेड ब्लू ग्रीन, RBG से याद कर सकते हो आप, ठीक, ये मूल रंग है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया? अभी तक कोई टफ सवाल नहीं पूछा गया। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ये भी आसान पूछा गया, ऑस्ट्रेलिया में है, लगातार हम लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण, यानी ये आप मान लो नॉर्थ, तो नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, विस्तृत समांतर मूंगे की दीवार है। इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है और ग्रेट बैरियर रीफ की जो लंबाई है वो 1400 मील तक है। इसे बाह्य अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यह जीवों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आप भूल नहीं सकते। अगला प्रश्न क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो काफी अच्छा सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है ये चीज, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो संविधान सभा गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था, ठीक है। और 11 दिसंबर को आयोजित दूसरी बैठक में अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए और 9 दिसंबर को संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नामित किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। तो अगर इसमें पूछता है अस्थाई, ठीक है, अस्थाई सदस्य अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, जो 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे और 9 दिसंबर को उससे पहले यानी 2 दिन पहले जो है अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो दोनों फैक्ट महत्वपूर्ण है, इस बार अस्थाई पूछ लिया, अगली बार अस्थाई पूछ सकता। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? हरिफेण ने, ठीक है, ये लूसेंट में भी फैक्ट दिया हुआ, इसलिए बोलता हूँ लूसेंट याद कर लो, लूसेंट में फैक्ट दिया हुआ, ठीक है। तो वहीं से पूछ लिया गया, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसिंह द्वारा संस्कृत भाषा में किया गया। इस प्रशस्ति से ही गुप्त काल के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। गुप्त काल में संस्कृत भाषा में अनेक धार्मिक ग्रंथ और नाटकों की रचनाएं हुई हैं, जिसमें कालिदास,
का जो है ऋतु संहार, मेघदूतम, फुद्रक के मृक्ष कटिकम आदि प्रमुख हैं। तो मृक्ष कटिकम भी पूछ चुका है जिसने लिखा है, ये फुद्रक ने लिखा है, ठीक है। कालिदास का भी पूछा जा चुका है ऋतु संहार और मेघदूतम, तो यहां से प्रश्न उठ के अगली बार आ सकता है, ठीक है। तो जितने भी यहां पर हैं जैसे बाण भट्ट, भवभूति, हरिश्चंद्र, ठीक है, और बौद्धयान, इनके भी कृतियां पूछी जा सकती हैं, तो इनको गूगल कर लीजिएगा, वहां से नोट्स बना लीजिएगा, बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे जो कटिंग्स हैं वहां भी ये चीजें मिल जाएंगी। अंगूर की खेती, उपज और कटाई निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता, इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया, तो मैंने कहा था कि ये चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सी खेती को क्या कहते हैं। लूसेंट में चार्ट दिया हुआ है, टेलीग्राम में भी मैंने शेयर कर दिया है, वहां से भी जाके इसको रट लो, एक प्रश्न यहां से आएगा। तो अंगूर की खेती क्या कहलाती है, विटीकल्चर कहलाती है, ठीक है। और रेशम के कीटों की खेती क्या कहलाती है, फेरिकल्चर कहलाती है। और फूलों की खेती क्या कहलाती है, फ्लोरिकल्चर। अगला प्रश्न देखते हैं, बैलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं, पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बैलाडीला की पहाड़ियां कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। बैलाडीला पहाड़ियों में उच्च गुणवत्ता के लौह अयस्क की 14 खदानें हैं, यहां पर हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार मौजूद है। तो लोहा पाया जाता है बैलाडीला की पहाड़ियों में, इसलिए महत्वपूर्ण है ये, कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है, इसीलिए पूछा भी उसने। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो आपका पाक स्ट्रीट हमने सुना है, द पाक स्ट्रीट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत जो है, भारत का पड़ोसी देश अगर देखा जाए श्रीलंका है, जो कि एक जल यानी ये अस्थल हो गया, ये अस्थल हो गया, बीच में क्या है, जल है, जल डबरू मध्य, इससे जुड़ा हुआ है, जल संधि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें जहां पे जुड़ रहा है, यहाँ भारत का कौन सा राज्य है, यहाँ भारत का तमिलनाडु राज्य है, ठीक है। अब देखें बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को भी जोड़ता है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी भारत के पश्चिम घाट तथा श्रीलंका के बीच एक बड़ी सी उथली खाई है, ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो याद रखना है। अगला प्रश्न है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। कौन सा मेला पूछा गया आपसे, सोनपुर पशु मेला पूछा गया, ये बिहार में है। तो सोनपुर पशु मेला बिहार राज्य के सोनपुर में नवंबर और दिसंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है। यह मेला गंडक और गंगा नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, इसीलिए इसने पूछा इस क्वेश्चन को। तो कुछ भी नहीं पूछता है, जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वही एग्जाम में आती है। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, सब लोग पढ़ाई पर ध्यान देते हैं इसलिए पुस्तक दिवस महत्वपूर्ण है, वो भी विश्व का है। तो 23 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो मैंने एक थीम आपको बताई थी कि डे जरूर याद कर लो, कई कई शिफ्ट में 2 प्रश्न आए हैं, वरना 1 प्रश्न तो आता ही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल्ह कहा जाता है। कुल्ह कहाँ हुई थी विकसित, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कुल्ह जो है वो हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली छोटी स्थानीय नहरें हैं, वे मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण हिमाचल प्रदेश में ट्यूबवेल बोरवेल का निर्माण संभव नहीं था, इसलिए कुल्ह प्रयोग आया। अब पहाड़ों में यार बोरिंग करना कितना मुश्किल काम है, ट्यूबवेल बनाना मुश्किल काम है, तो पतली पतली नहरें बना दी, नदियों से जोड़ दिया ताकि सिंचाई का काम हो सके, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। तो ये काम करता है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। अब देखिए किसी भी ऑप्शन में, इस ऑप्शन में जनगणना नहीं है,
इस विकल्प में जनगणना नहीं है, इन दोनों विकल्प में जनगणना था। तो दो विकल्प तो ऐसे ही छंट जाते, दो विकल्प में आप आ जाते, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तब भी आप दो एटलीस्ट छांट ले जाओगे, दो में तुक्का लगाने के लिए आ जाओगे, ठीक है। और कोशिश करो ये याद करने की, बहुत ही महत्वपूर्ण है जनगणना शब्द, ठीक है। तो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत के अंतर्गत ये आता है। आगे देखते हैं, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद जो होता है वो महारजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त भारत सरकार होता है, ठीक है। वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी हैं। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, इसके बाद नहीं हुई है, ठीक है। देखिए मैंने कहा था कालिदास महत्वपूर्ण है। फिर प्रश्न पूछा गया, कुमार सम्भवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? महाकवि कालिदास, ठीक है। अगर मैं और व्याख्या की बात करूं तो कुमार सम्भवम महाकवि कालिदास की साहित्यिक कृति है। यह पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के महान कवि और नाटककार थे। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं। इनकी अन्य रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, इसको याद रखिए। कल्लड़ ने राजतरंगिणी नामक महान काव्य की रचना की है। तो राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बात किया गया है और इसको कल्लड़ ने लिखा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महादेवी वर्मा ने यामा की रचना की है जिसके लिए उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला है आपका नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे नालको कहते हैं, का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुई थी नालको की, वो 7 जनवरी 1981 में पंजीकृत कार्यालय के साथ की गई थी। नालको प्लांट की स्थापना कनाडा की मदद से स्थापित किया गया था। तो नालको में जो है हम लोगों ने बनाते वक्त कनाडा का मदद लिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो मुख्यालय भी याद करना जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का, ये भी आपका होमवर्क है, इसको रटना पड़ेगा। जो मुख्य मुख्य जो है आपके जो WTO या मतलब UN के जो मुख्यालय हैं उनको आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इस संगठन में 194 सदस्य देश शामिल हैं। वर्तमान अध्यक्ष इथोपिया के डॉक्टर टेड्रोस हैं। ये सारी चीजें हो गई, अब अगर पूछेगा तो आपका एक भी प्रश्न जाएगा नहीं। किस देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ठीक है, अगर शहरी क्षेत्र में आनुपातिक वृद्धि हो रही है जनसंख्या में तो उसे क्या कहते हैं? शहरीकरण कहते हैं, ठीक है। तो किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को शहरीकरण कहा जाता है। शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक समाज के समुदाय के आकार और शक्ति में वृद्धि होती रहती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोही की कालीन बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कारपोरेट यानी कालीन बुनाई, भदोही जो है कालीन बुनाई कला के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुर्जा शहर चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है और उत्तर प्रदेश का लखनऊ चिकनकारी कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो आपका अशोक, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है वो अशोक का पेड़ है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया है पीसीएस में, 24 जनवरी को मनाया जाता है। राजकीय पक्षी सारस बहुत ही चर्चा में भी था। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प पलाश है। तो यूपी GK बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको पूरी तरीके से आपको रटना होगा, वैसे इसकी भी क्लासेस आपकी आएंगी। अगला है, फुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो फुरहा ताल कहाँ है? फुरहा ताल जो है बलिया में है। फुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं।
या उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? वह है आपका लिंक्डइन। तो लिंक्डइन काफी इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया साइट है, ठीक है, नौकरी आप यहाँ पर तलाश सकते हैं। लिंक्डइन की जो शुरुआत हुई थी ये 2002 में हुई थी। संस्थापक इसके रेडिन होफमैन थे, लिविंग रूप से हुई थी और इसके आधारित तौर पर 5 मई 2003 को इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। शुरुआत 2002 में हो गई थी पर लॉन्चिंग जो हुई थी वो 5 मई 2003 को हुई थी। तो काफी अच्छा प्रश्न बनाया गया था ये। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? गोविंद देव मंदिर है यहाँ पर, द्वारिकाधीश मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर है। पौराणिक साहित्य में मथुरा को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे फूरफेन नगरी, मधुपुरी और मधुनगरी। अकबर का मकबरा किस स्थान पर है? तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में है, जो कि आगरा के पास है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा जहां मकबरे को जहांगीर ने 1605 से 1613 में जो है निर्माण करवाया था और इसके अंदर लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। ये भी कभी पूछा जाता है, ठीक है, तो भी आपको रट लेना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो जब धान और मक्के की खेती होती है तो उत्तर प्रदेश में एक नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है, उसका नाम है हुरका बाउल। क्या नाम है? हुरका बाउल। तो हुरका बाउल नृत्य का आयोजन धान और मक्के की खेती के दौरान उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों में किया जाता है, ठीक है। हुरका बाउल का शाब्दिक अर्थ है कई हाथों का एक साथ कार्य करना। पुराने जमाने में अगर आप याद करोगे तो सब लोग मिलके जो है धान की जो है रुपाई किया करते थे, तो उसी तरीके से ये गाना वहीं से निकल आया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना ने की थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हमें फुल फॉर्म बताना है UPSSF का, ठीक है, ये पूछा गया। तो इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 26 जून 2020 को हुआ था। किस अधिनियम के तहत? उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 के अंतर्गत 26 जून 2020 को इसका गठन हुआ था। तो फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप कॉन्स्टेबल बनने जा रहे हैं तो फुल फॉर्म जो भी है सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। साथ ही जो मैंने बताया कि कॉन्स्टेबल उसके ऊपर क्या आएगा, फिर इसके ऊपर क्या आएगा, ऐसे पूरा जो क्रोनोलॉजी है उसका भी आपको याद करना पड़ेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे चार्ट दे दिया गया है। आगे देखते हैं, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? ये अपनी यूपी की है, ठीक है। तो निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत की उत्तर प्रदेश राज्य की एक पहल है। इसे उद्योगों और एमएसएमई के लिए एक संपूर्ण पैकेज समाधान बनाने के लिए हितधारकों की गहन प्रक्रिया के बाद डिजाइन किया गया है, ठीक है। विमुद्रीकरण निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? नोटबंदी, ठीक है। तो विमुद्रीकरण को उपयुक्त में से नोटबंदी के नाम से भी जाना जाता है। विमुद्रीकरण का अभिप्राय एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया से है जिसमें देश की सरकार द्वारा देश की मुद्रा प्रणाली में हस्तक्षेप करते हुए किसी विशेष प्रकार की मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त की जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? होल्डिंग यानी धृत कहा जाता है।
उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को धृत यानी होल्डिंग्स कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम पासवर्ड क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो ऑप्शन क्या था इसमें? फोर्सिंग, चीटिंग, लेम्फिंग और फिनिशिंग आपके ऑप्शन थे। तो क्या कहलाता है? ये फिनिशिंग कहलाता है। फिनिशिंग एक कपटपूर्ण अभ्यास है जिसमें एक हमलावर ईमेल या संचार अन्य रूप से एक प्रतिष्ठित संस्था या व्यक्ति के रूप में सामने आता है। यह एक लोकप्रिय साइबर अपराध है। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो टका बहुत ही फेमस है, बांग्लादेश की मुद्रा है। पेट में भी ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यानी ये भी क्या था? ये वाईक्यू था, यानी पेट वाले जो सवाल हैं वो भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पेट से भी कई सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यू अगर रट गए तो आधा काम तो वहीं हो जाता है। बाकी जो जीके वाला पार्ट है प्रूफ एंड अच्छे से कर जाओ, ठीक है, यूपी जीके कर लो तो जीएस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। करंट अफेयर में भी चीजें जो आएंगी मैगजीन उनको कवर कर लेना, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि मुद्रा रट डालो, ये तो मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो मुद्रा वाला पार्ट रट डालो, ठीक है। तो थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बहत है। तुर्की की मुद्रा लीरा, सर्बिया की मुद्रा दिनार, ठीक है। और टका जो है ये बांग्लादेश की मुद्रा है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं? सही नहीं पूछा, यानी इसमें से तीन क्या होंगे? सही होंगे। देखते हैं। कह रहा है जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है। सही बात, कोई दिक्कत बात नहीं है। अगला है जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है यानी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये भी सही है। निम्न वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, सही बात है, अलग अलग तरीके के। अगला कह रहा है जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों का व्यापक हुआ। एक ही दर यहाँ पे गलत है, अलग अलग टाइप आपको देखने को मिलते हैं क्योंकि इसमें कैटेगरी होती है, कहीं 5% कहीं 18%, ठीक है। जीएसटी वस्तु सेवा कर घरेलू उपयोग के लिए बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुओं सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक मूल्यवर्धित कर है। भारत में जीएसटी विधेयक पहली बार 2014 में संविधान संशोधन 122वें विधेयक के रूप में संसद में पेश किया गया था। इसे 2016 में 101 संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में लागू किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो दीनदयाल हो गया, नेहरू हो गया, ठीक है, पारादीप है, तो इसमें कौन सा आता है? कांडला, ठीक है, कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह जिसे कहते हैं, कच्छ गुजरात में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये तो मुंबई में है, और पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा में है, और मोरमुगांव बंदरगाह ये चर्चा में रहा है, ठीक है, ये गोवा में है। तो ये वाला पूछ सकता है, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी थी? तो गांधीनगर गुजरात में। 30 दिसंबर 2023 को श्री अमित शाह ने गांधीनगर गुजरात में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी थी। तो करंट अफेयर का सवाल था, महत्वपूर्ण सवाल था, क्योंकि सवाल 30 दिसंबर 2023 का था, फरवरी में एग्जाम हुआ है, तो लगभग देखा जाए तो 2 महीने पहले की खबर है, ठीक है। करंट अफेयर आपका विदिन 3 मंथ वाला जो होगा, जब एग्जाम डेट आएगी मान चलो, उसके 3 महीने करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और फिर अगर 6 महीने का पूरा देखोगे तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु तो दिया जाता है? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु तो दिया जाता है। आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? ऑप्शन में क्या क्या था? जर्मनी, इटली, श्रीलंका, ठीक है। तो ये चीज जो हुई है ये आपका इटली के साथ हुई है। भारत और इटली देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते के बीच मंजूरी दी गई थी, ये भी आपका करंट अफेयर का सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट जिसे INF काबरा कहा गया,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? तो काबरा कोलंबो श्रीलंका पहुंचा था, ठीक है। तो यह भी करंट अफेयर का सवाल हो गया। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान या अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार थे और 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभा में शामिल होने के बाद खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया। इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। तो लाल कुर्ती के नाम भी फेमस है, इंपॉर्टेंट है ये, लूफंड में भी मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन यानी KLISOFC उद्घाटन किया है? तो श्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है। तो 4 से 5 प्रश्न आपको यहाँ पे करंट अफेयर के देखने को मिले हैं जो कि बहुत ही फेमस है, अगर अखबार पढ़ते हैं तब भी आपका वो चीज निकल जाएगी, ठीक है। तो ये पेपर था आपका 51 का। तो होमवर्क क्या क्या चीजें फिर निकल के आई हैं होमवर्क में, जो मैं लास्ट में आपको देता हूँ होमवर्क, ठीक है, उसको करते चलोगे तो फायदा होगा। होमवर्क में फिर चीजें निकल के क्या आई, एक तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है झील, क्या निकल के आई, झील निकल के आई, ठीक है। तो आपको झील पूरा जो है रटना है, लूसेंट में दिया है, वहां चले जाओ और उसको वहां से रटो झील, ठीक है। दूसरा, फिर मैंने कहा डे आपको याद करना ही था, आज फिर कह रहा हूँ डे याद कर लेना। मुद्रा मैंने उसी दिन बोली थी, मुद्रा फिर कह रहा हूँ कि मुद्रा अच्छे से एक बार जाके रिवाइज करो। राजधानी बोली थी, ठीक है, राजधानी भी जाके अच्छे से याद करो, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी के अंदर मैंने क्या बोला था आपको कि आर्टिकल याद करने 150, भाग याद करना है आपको, ठीक है, अनुच्छेद याद कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें बोली थी, रट डालो, ठीक है। ये आपके होमवर्क फिर रहेंगे हैं। बाकी मैंने ये भी आपको कहा था कि जैसे मान लो विटी कल्चर है अंगूर खेती, फेरी कल्चर है रेशम की खेती, तो खेती वाला चार्ट देख लेना, ठीक है। विटामिन वाला चार्ट भी मैंने बोला था, इसमें विटामिन के फॉल नहीं आए हैं इस वाले शिफ्ट में, पर इससे पहले आए थे। ये सारे होमवर्क हैं, इनको करते चलो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है।